आज कार्यक्रम निमित्ता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल गेले 7 वर्ष या पद्धतीने पर्यावरण श्री गणेशोत्सव काम करते हैं सुहागा सफर या माध्यमातून संपूर्ण भारतावर पसरलेले अनुभव बोलते यांचे देखील स्वागत आणि मला सरांनी करावा अशी विचार विनंती करतो दा तिकडून दादा देत यानंतर राज्याचे पर्यावरण मंत्री माननीय रामदासभाई कदम यांनी खास पुरस्कार सर आपल्यासाठी पाठवला आणि त्यांनी राज्यमंत्री महोदयांना विनंती केली की हा चाप्याचा हार ज्याचे पैसे त्यांनी दिलेले आहेत तो या ठिकाणी घालून त्यांचं मोठा स्वागत करावा अशी विनंती करतो काम करता है मोठ्या प्रमाणात इको फ्रेंडली गणेश मूर्ती त्या ठिकाणी देण्याचं काम करता है प्रमोद बेंद्रे आणि त्यांचे बंधू गणेश कला केंद्राच्या माध्यमातून रायगड स्टील सर दत्तात्रय गोटूर एका ऍडव्हर्टिंग एजन्सी मध्ये काम करत होता प्रणाम सबको चीफ मिनिस्टर साहब फडणवीस जी कदम साहब बाकी के स्टेज पर उपस्थित सभी बड़ों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम मानी जी और आप लोगों को भी बड़ू मानता हूँ कहाँ गया वो हाँ वाह वाह सुपर काम किया बहुत सुपर काम किया मेरे को बोलने मेरे जैसे गधे को बोलने का मतलब नहीं बनता है मगर मैं ये फॉलो कर रहा हूँ 19 साल से मेरे घर में पापा आता है और मैं उनको अपने उंगली के अंदर ही विसर्जन करता हूँ मेरे घर में मैं लड़का इधर ये एरिया का लड़का हूँ मैं था अभी मैं आदमी हूँ मैं तीन बद्दी का हूँ और मैंने अपने चौपाटी को हर गणपति बापा के बाद में वाट लगते देखा है बहुत बुरी बात है बोलना सबको समझना चाहिए ये चीज़ प्रोपगेट नहीं करना चाहिए अपना दिल साफ होना चाहिए इंसान सुबह नहा के निकलता है अपने आप को साफ रखता है उसी तरह से अपने को अपना वातावरण को साफ रखना चाहिए इसमें कोई अभ्यास नहीं है इसमें समझ का बात है कॉमन सेंस है यानी कॉमन सेंस ना है तो काय ना है संपला विषय तुम्हें तुम्हारा हर रोज इतना प्रभु बोलना पड़ता है सबको आके मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर साहब बोल रहे इन्वायरमेंट मिनिस्टर साहब बोल रहे रेडियो वाले बोल रहे हम लोग बोल रहे अगर खुद के दिमाग में क्या अक्कल नहीं है क्या बोलना पड़ता है क्या स्वच्छ भारत समझ लो ना अपना घर के सामने साफ रखो ऑटोमेटिकली पूरा हिंदुस्तान साफ क्या वाट लगा रहे बैठे बैठे सब लोग और अपने लिए नहीं हम लोग आधा कवर में हम ही इकड़े आए आता हम ही आमच वही पन मुला है तमसा मेरा टाइगर बाबा का बच्चा उसका बच्चा उन लोग का सोचो यार अपना खुद का सोचो सेल्फिश रीजन से सोचो कि आपके घर में भी आपका बच्चा है उसका बच्चा होगा उन लोगों क्या पानी छोड़ के जा रहा है आप लोग भक्ति करो बॉस पर भक्ति का मतलब ये नहीं कि वाट लगाओ है कि नहीं तुम्हें रास्ते का बोलना ना माला इतना बोला पर तुम्हारा माहिता में क्या बोल रहा जय जय महाराष्ट्र ने मला बोलवलं इतका आधार दिला
काय काम असेल तर मला सांगा, माझा थोबडा मी बोलू नाही शकतो, मी इम्प्लिमेंट करू शकते आणि मी इम्प्लिमेंट करतो. मी घरीच माझं विसर्जन माझ्या घरीच असतं. थँक्यू. जॅकी श्रॉफजी आणि अनु कपूरजी या ठिकाणी आले ते कोणत्याही मानधन न घेता चळवळीला समृद्ध करण्यासाठी आले आहेत, म्हणून टाळ्यांच्या गिरात त्यांचं स्वागत. तर मानधन घेणारे विचार देऊ शकत नाही, त्या ठिकाणी फक्त संदेश देऊ शकतात, हे विचार देतात. म्हणून अनु कपूरजी आपने जो सुहाना सफर से पूरे भारतवर्ष में जो सुहाने बाती हर दिन आप 10 से 12 बजे तक करते हैं, दैट विल द ग्रेट मोमेंट फॉर एवरीबडी अस. So, just I would like to request Anu Kapoor ji, the great Antakshari founder of India across the world, please come with your golden hat and please tell the Suhana Safar few moments about the eco-friendly Adop. Mananiya Mukhya Mantri Mahoday, Maharashtra Sarkar, Mananiya Paryatan Mantri Mahoday, मंच पर आसीन 92.7 बिग एफएम के सीईओ, मेरे साथी सुंदर से श्री जैकी श्रॉफ, आदरणीय मैडम, उपस्थित महानुभाव देवी और सज्जन, 92.7 बिग एफएम और महाराष्ट्र सरकार का ये प्रयास पर्यावरण की दिशा में, शुद्धिकरण की दिशा में ये उठाया गया कदम न सिर्फ प्रशंसनीय है बल्कि बहुत आवश्यक है. हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, पंडित भरत व्यास की ये लाइनें, हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन के जिसके बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन, हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन की जिसके बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन, दिशाएं देखो रंग भरी चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, चित्रकार ने ये ग्रह ये प्लैनेट पृथ्वी हमें दी है, इसको सजा के सवार के रखना हमारा कर्तव्य है. मैं अभी कहीं आर्टिकल पढ़ रहा था फडणवीस साहब के, 1947 से पहले भारत की कल्पना कहीं नहीं थी. हम सब ने माना कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत रखा गया है. खंड खंड में विभाजित होता रहा, कोई हिंदुस्तान कहता है, कोई इंडिया कहता है, लेकिन भारत पारंपरिक रूप से इस देश का नाम था भारत. और ये भारत की परिकल्पना अंग्रेज देके गए हैं. उससे पहले तो छोटे छोटे राज्य थे, सब अपने अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे. लेकिन 1947 के बाद जो पॉलिटिकल फ्रीडम हमें मिली है, पॉलिटिकल फ्रीडम बोलूंगा, अभी भी आध्यात्मिक और मानसिक स्वतंत्रता हिंदुस्तानियों को मिली नहीं है. अभी भी क्वीन एलिजाबेथ टू की पर्सनल डायरी में, आप अंग्रेजी का शब्द अगर समझे देव फडणवीस साहब, तो उसमें सब्जेक्ट मतलब प्रजा होती है, मतलब राजा आणि प्रजा. तो क्वीन एलिजाबेथ टू की डायरी में शी स्टिल कंसिडर्स अस एज हर सब्जेक्ट्स. इसीलिए कॉमनवेल्थ की जो मशाल है वो भारत के राष्ट्रपति के कर कमलों से जलाई नहीं जाती है, वो क्वीन एलिजाबेथ के कर कमलों से जलाई जाती है, ये ध्यान रखें. तो ये जो गणराज्य हमें मिला, हमें एक एक, एक देश मिला है. हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के. दे पॉलिटिकली तो बर्बाद कर ही दिया है, कम से कम एनवायरमेंट बचा लीजिए. आगे आने वाली नस्लें अंधायुग के अकलाए गए, धरा बंजर हो जाएगी. आगे आने वाली नस्लों के ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा, आज आपके प्रधानमंत्री जाते हैं पेरिस में सबमिट करते हैं, आपको मालूम है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दुनिया का हर देश ये सोचने लगा है कि कहां तक. आपको मालूम है डायबिटीज की कितने रोगी हैं इस मुंबई नगरी के अंदर, महाराष्ट्र में और देश में? आपको पता है अस्थमा के कितने रोगी हैं? तो ये प्रयास, इस प्रयास को जुनून के साथ जब तक आप नहीं करेंगे, अगर सिर्फ पब्लिक फंक्शंस तक है, राजनीतिक चेतना जगाने के लिए है, सामाजिक चेतना जगाने के लिए है, जब तक इसके अंदर पैशन नहीं आएगा, पर्सनल पैशन नहीं आएगा ना, तब तक ये मंजिल अधूरी रहेगी.
अप्रैल के अंदर 92.7 का जो प्रोग्राम जिसके तहत आप मुझे थोड़ा प्यार देते हैं, उसमें एक फैबगा की स्थापना की गई। फैबगा मुझे फ्रेश एयर टू ब्रीथ गार्डन्स एसोसिएशन, ये मुंबई नगरी के कुछ गार्डन्स को संभालने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, संयोजन करने के लिए, संरक्षण के लिए एक संस्था हमने बनाई। और उस संस्था का उद्देश्य था कि जो गार्डन्स हैं वो रहें, बीएमसी ने लिए हैं लेकिन हम उनको देखें। तो सिटीजन्स का फोरम बना, उस सिटीजन का फोरम बना और हमने 92.7 के हमारे कार्यक्रम में वो फाबगा के सदस्यों को अप्रैल में बुलाया था, आप आइए और बताइए पर्यावरण हमारे लिए कितना जरूरी है। और हमने ये भी निष्कर्ष निकाला, साइंटिफिक सर्वे किया कि जहां जहां ऐसे गार्डन है मुंबई वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 14.89% कम है दूसरी जगहों की तुलना के अंदर। तो पर्यावरण को बचाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए हर दृष्टि से पैशनेटली आपको ये मुहिम करनी पड़ेगी। हाँ, अगर वो कैजुअल है तो बिल्कुल अलग बात है, परंतु सीरियसली किसी ने सोचा, कॉर्पोरेट की अपनी जिम्मेदारी है, सरकार की अपनी नियति है, लेकिन सिटीजन्स जो है अब आपकी जिम्मेदारी। हम सब 15 अगस्त और 26 जनवरी को बहुत जाग जाते हैं, हिंदुस्तानियों की एक वो है कि बहुत जाग जाते हैं, बहुत अच्छी बात है 15 अगस्त 26 जनवरी को देशभक्ति की भावना का प्रदर्शन करना, परंतु देश प्रेम या देशभक्ति की जो पुण्य भावना है वो असल में कोई परफ्यूम नहीं है जिसे आप किसी फंक्शन में जाने के लिए या पार्टी में या विवाह पे जाने के लिए अपने कपड़े पे छिड़क लेते हैं। देश प्रेम, समाज के प्रति आसक्ति, समाज के प्रति जिम्मेदारी, अपना नैतिक कर्तव्य मातृभूमि के प्रति, वो तो एक चिरंतर 24 घंटे बहती हुई आपके शरीर में रक्त की धारा है, वो बहनी चाहिए 24/7, जिसे आप अंग्रेजी वाले बोलते हो 24/7। और अगर देश के प्रति ये विचार, ये धारा, जिम्मेदारी का एहसास, कर्तव्य के प्रति बोध और जागरूकता अगर किसी के अंदर नहीं बहती है तो उसका एक ही निष्कर्ष निकलता है कि आपके देश में तो खून है परंतु आपके खून में देश नहीं है। आपके देश में खून है, आपके खून में देश नहीं है। आपके जिस दिन खून में देश हो जाएगा तो छोटी सी बात है, ये तो छोटी सी बात है। शैलेंद्र जी की एक लाइन याद आ रही है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये स्वर्ग और नरक का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पुराने स्क्रिप्चर्स है, अभी वो सब गया। विज्ञान प्रगति कर रहा है, उन कौमों ने प्रगति की है जिन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ अपने समाज के निर्णय किए। हम 2500 साल से पीछे हैं, हम अभी जापान ने क्या क्या बना लिया है, अमेरिका कहां पहुंच गया, अभी हम इसी डिस्कस कर रहे हैं, हांडी जो है, दही हांडी 20 फुट पर लटकेगी कि 30 फुट पर लटकेगी, वैज्ञानिक चित्त कौन जाएगा। आज आपके मंत्री महोदय से मैं यही विचार विमर्श कर रहा था, वैज्ञानिक चित्त जगाइए। इस देश का जो वैज्ञानिक चित्त था, वराहमिहिर थे, आर्यभट्ट थे, रामानुज थे, शंकर थे, चार्वाक थे, सुश्रुता थे, उनको हमने पनपने नहीं दिया, अब आप लोग आए हैं। मेरा विनम्र निवेदन है कि बच्चों के अंदर अब वैज्ञानिक चित्त को जगाइए। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, तो तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है तब से झूम झूम कर, तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, इस स्वर्ग को उतारना आपके हाथ में, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कंट्री। कैनेडी ने कहा था, डोंट आस्क मी व्हाट कंट्री हैज डन फॉर यू, यू हैव टू बी आंसरेबल टू योर कंट्री। तो ये प्रयास 92.7 बिग एफएम का और महाराष्ट्र सरकार का बहुत प्रशंसनीय है। आप इस कार्यक्रम में, इस प्रयास में न सिर्फ सफल हो, सुफल हो। सर, ये सुफलता केवल दुनिया की एक प्रार्थना में मिलती है। देखिए, मेरा संबंध ना बीजेपी से ना कांग्रेस पार्टी से है, प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के बात गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम। आज तक दुनिया की कोई ऐसी प्रार्थना नहीं है, हर प्रार्थना में सफल होने की बात की गई है। सफल मतलब एक पेड़ जिसके ऊपर फल आ गए, वो सफल। दाऊद इब्राहिम भी सफल है,
लेकिन एक ही प्रार्थना है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम, मेरे उत्तम कर्मों का फल मातृभूमि मुझे देना। ये कमाल की चेतना है, इस चेतना के साथ ही आप अपने प्रयास में सफल हो, यही प्रार्थना। बड़े शांति और प्रेम के साथ सुना, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, वंदे मातरम। आणि ते आम्ही या मान्यवरांना प्रदान करतो, माननीय प्रवीण पोळे पाटील साहेब त्यांना तो प्रदान करावा अशी विनंती करतो। प्रवीण पोळे पाटील साहेबांना विनंती। त्यानंतर माननीय जॅकेशरावजी भिडू त्यांना गणपती प्रदान करावा अशी विनंती करतो, जे आमच्या बरोबर या चळवळीमध्ये आहेत आणि पुढेही राहणार आहेत। तो संस्कार घेऊन आम्ही पुढे जाणार आहोत। अनु कपूरजी यांना देखील हा श्री गणेश प्रदान करावा अशी विनंती करतो। आणि माननीय मालिनी शंकर मॅडम यांना देखील श्री गणेश प्रदान करावा अशी विनंती करतो। 92.7 बिग एफ एमचे तरुण कटियालजी, या संपूर्ण गणेशोत्सवात आम्हाला सातत्याने साथ देणारे ॲडव्होकेट देवकरजी, या ठिकाणी उपस्थित सर्व विद्यार्थी आणि या उपक्रमात सामील असलेल्या सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, मला अतिशय आनंद आहे की ज्या प्रकारे प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने हा बिग ग्रीन गणेशाचा उपक्रम 92.7 एफएम सोबत गेले अनेक वर्ष चालवला आहे आणि त्या माध्यमातनं त्याला अतिशय चांगला रिस्पॉन्स हा समाजातनं देखील मिळतो आहे। खरं म्हणजे आम्ही जर आमची परंपरा आमची संस्कृती बघितली तर आमच्या संस्कृतीमध्ये सर्वात जास्त महत्त्व हे पर्यावरणाला दिलं आहे आणि आमचा कुठलाही उत्सव हा पर्यावरणाच्या विरोधातला उत्सव हा कधीच आमच्या संस्कृतीत आम्हाला पाहायला मिळत नाही। आम्ही ज्यावेळेस त्याचं स्वरूप बदलवतो त्यावेळी तो पर्यावरणाचा ऱ्हास करणारा व्हायला लागतो आणि म्हणून ज्याचा उल्लेख मगाशी मालिनी शंकर यांनी केला की पंचमहाभूतांवर आधारित जे आमचं तत्वज्ञान आहे त्या तत्वज्ञानामध्ये उत्सव साजरा करत असताना पंचमहाभूतांना कुठल्याही परिस्थितीमध्ये धोका निर्माण होणार नाही याची दक्षता घेणं हे अत्यंत आवश्यक आहे। आणि आज जी जागृती वाढते तर म्हणजे जगासमोरचे सगळ्यात महत्त्वाचे प्रश्न जर काही असेल तर ते पर्यावरणाचे आहेत। आम्ही जगलो तर आम्ही उत्सव साजरे करू आणि आम्ही जगलोच नाही तर उत्सव कसे साजरे करू। आता अल्लू कपूरजीने खूप चांगल्या शब्दामध्ये आपल्याला या ठिकाणी अतिशय प्रेरणादायी अशा प्रकारचं वक्तव्य दिलं आणि गोष्ट खरी आहे की इतक्या मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या रोगराईंनी ग्रसित असा समाज आज तयार होतो याचं कारण प्रदूषण आहे आणि म्हणून आमच्या समोर जगाच्या समोर देशाच्या समोर तयार झालेल्या या वेगवेगळ्या ज्या आव्हानं आहेत ज्या अडचणी आहेत या काही निसर्गाने निर्मित केलेल्या नाहीत त्या मानवाने निर्मित केलेल्या आहेत। आम्ही निसर्गाचं शोषण केलं आणि त्या शोषणातनं निसर्ग आज आम्हाला ज्या प्रकारे अभिशाप देतोय तो आम्हाला सगळ्यांना भोगावा लागतोय। पहिले तो बोलू ये थोडं विषय मैं क्या कहूंगा, अगर मेरे जैसे गधे को आप सुन सकते हो तो बहुत बड़ी बात है। खुद के दिमाग में अक्कल है, स्वच्छ भारत क्या मतलब मालूम है ना सबको, जो माइक पकड़ के खड़े उनको भी मालूम है, जो सुन रहे हैं उनको भी मालूम है। मेरे जैसा डफर बोल रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत बड़ी बात है। साफ रखो अपने वातावरण को, अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए, अभी सुधर जाओ नहीं तो आगे जाके आपके बच्चे और अपने बच्चे सफर करेंगे। समझ गया ना भिड़ो, खाली मुंडी हिलाते नहीं रहना करना। जय हिंद जय महाराष्ट्र। फोटो भी नहीं कर रही है? अच्छा पप्पा के साथ भी फोटो कौन करते फोटो? थैंक यू।